हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। ये गीत भारतीय फिल्म संगीत के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है। ये गीत जनमानस में आज भी उसी तरह से ताजा है जैसे 5 दशक पहले लोकप्रिय था। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। गायकी के सरताज मोहम्मद रफी के गाए इस गीत को सुनकर और उस गीत पर कॉमेडी के बादशाह महमूद की हास्य से भरपूर अदायगी देखकर कुछ लोग मस्ती में झूम उठते हैं तो कुछ लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है और वे कह उठते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हमें माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना के तेरे। ये वही गाना है जिसने काले लोगों को अपने काले रंग पर शर्म करने के बजाय गर्व करने का कारण दे दिया। आज आधी शताब्दी से अधिक समय बाद भी ये गाना हर एक की जुबान पर है। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 जाने वाले। मस्ती भरा ये गीत भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो गाना भारतीय सिनेमा का सिरमौर गानों में शुमार किया गया, उस गाने को लेकर भारी जंग छिड़ गई थी। फिल्म के लीड एक्टर को इस बात का भय हो गया कि अगर ये गाना महमूद पर फिल्माया गया तो महमूद बाजी मार ले जाएंगे और दर्शक उनके कैरेक्टर को भूल जाएंगे। ऐसे में फिल्म के लीड एक्टर ने इस गाने को फिल्म से निकाल देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन फिल्म से ये गाना नहीं हटा और ये गाना वक्त और सरहद की सीमाओं को लांघ कर सर्वकालिक और सार्वभौमिक गाना बन गया। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया इस कालजयी गीत से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये मजेदार और अर्थपूर्ण गीत मोहम्मद रफी ने 1965 में रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म गुमनाम के लिए गाया था, जिसे फिल्माया गया था भारत के सबसे बड़े कॉमेडियन महमूद और डांसिंग क्वीन हेलन पर। फिल्म में उस गाने का फिल्मांकन बहुत ही शानदार हुआ और उस गाने पर महमूद की कॉमेडी से भरी अदायगी देख कर आप लोटपोट हो जाते हैं। ये गाना महमूद को बहुत प्रिय था और जब भी वो स्टेज कार्यक्रम करते इस गीत पर जरूर थिरकते थे। महमूद के साथ साथ ये गीत रफी साहब को भी बहुत पसंद था और जब वो इस गीत को स्टेज प्रोग्राम में अपने मदमस्त अंदाज में गाते तो दर्शक मानो पागल हो उठते थे। आपके सामने रफी साहब के एक स्टेज प्रोग्राम की झलक पेश की जा रही है जिसे देखकर आप भी मस्ती में झूम उठेंगे। ने रंग से काले लोगों के मन में काले होने की भावना को निकाल दिया और काला होना उनके लिए शर्म का कारण नहीं बल्कि गर्व का कारण बन गया। ये गीत 1965 में बना था और दशकों बाद भी जब आप इस गीत को सुनेंगे तो झूम उठेंगे। दशकों बाद भी ये गीत काले और गोरे के भेद को मिटा रहा है। तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। फिल्म गुमनाम का निर्देशन राजा नवाथे ने किया था और इसमें मनोज कुमार, नंदा, प्राण, हेलन और महमूद ने भूमिकाएं निभाई थी। ये फिल्म अगाथा क्रिस्टी के 1939 में प्रकाशित उपन्यास एंड देन देयर वर नन पर आधारित है। इस गीत को हेलन और महमूद पर पिक्चराइज किया गया था। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, जिन्हें खुद अपने जीवन में अपनी जाति और अपने रंग के कारण काफी अपमान झेलना पड़ा था। गीत का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। ये फिल्म 1965 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी और फिल्म के हिट होने में उस गाने की भी बड़ी भूमिका रही थी।
ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये सोला साला तंदाना। जब ये फिल्म बनी थी तो इस फिल्म के एक्टर मनोज कुमार और महमूद के बीच झगड़ा चल रहा था। मनोज कुमार ने इस फिल्म में जब काम करना शुरू किया तब फिल्म में महमूद का कोई रोल नहीं था, इसलिए उनको फिल्म में काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वितरकों और फाइनेंसरों ने फिल्म के निर्माता एनएन सिप्पी को सुझाव दिया कि फिल्म मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है और वैसे में ये फिल्म दर्शकों के लिए काफी गंभीर हो जाएगी, इसलिए इसमें कॉमेडी का तड़का लगाना जरूरी है। ऐसे में इस फिल्म में महमूद का रोल डाला गया। साथ ही महमूद के लिए कॉमेडी गाने की सिचुएशन भी बनाई गई और उस गाने को मोहम्मद रफी साहब से रिकॉर्डिंग कराने की तैयारी होने लगी। मनोज कुमार का चूंकि पहले से ही महमूद के साथ झगड़ा चल रहा था, ऐसे में जब उनको पता चला कि इस फिल्म में महमूद को भी शामिल किया जा रहा है और ऊपर से महमूद पर मोहम्मद रफी का एक गाना भी फिल्माया जाने वाला है, तब मनोज कुमार परेशान हो गए। मनोज कुमार तुरंत निर्माता एनएन सिप्पी के पास गए और कहा कि ये फिल्म मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है, ऐसे में अगर इस फिल्म में किसी कॉमेडियन को लिया गया तो फिल्म पिट जाएगी। लेकिन एनएन सिप्पी न तो फिल्म से महमूद को हटाने को तैयार हुए और न ही महमूद पर फिल्माए जाने वाले गाने को। मनोज कुमार को रफी साहब से गाए गाने से दिक्कत नहीं थी, बल्कि उनको महमूद से दिक्कत थी और महमूद पर मोहम्मद रफी के गाने को पिक्चराइज किए जाने को लेकर दिक्कत थी, क्योंकि उनको ऐसा अंदेशा था कि अगर महमूद पर मोहम्मद रफी के गाने को पिक्चराइज किया गया तब महमूद का कैरेक्टर भारी हो जाएगा और लोग महमूद और उन पर पिक्चराइज किए गए गाने को ही याद रखेंगे। फिल्म जब रिलीज हुई तब मनोज कुमार की आशंका सही साबित हुई। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म का मुख्य आकर्षण ये गीत बन गया। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। फिल्म तो सुपर डुपर हिट हुई, लेकिन साथ ही साथ महमूद पर फिल्माया वो गाना हमेशा हमेशा के लिए सुपर हिट हो गया। आज जो लोग गुमनाम को भूल चुके हैं वो भी महमूद पर फिल्माए गए मोहम्मद रफी के गाने को नहीं भूले हैं। आज भी ये गाना खूब बजता है और लोग इस गाने पर झूमते हैं। हम तेरे धेरे धेरे जाने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। दोस्तों, रफी साहब जो भी स्टेज प्रोग्राम देते थे उसमें इस गीत को जरूर गाते थे और कई मौकों पर महमूद भी इस गाने पर डांस करते थे। जब रफी साहब इस गीत को पेश करते थे तो दर्शक मस्ती में झूम उठते थे। इस स्टेज प्रोग्राम में आप स्टेज पर शंकर जयकिशन और कॉमेडियन जॉनी विस्की को भी देख सकते हैं। जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है उसमें आप मशहूर कॉमेडियन जॉनी विस्की और ईरानी को डांस करते देख रहे हैं। एक अन्य वीडियो में आप महमूद को भी इस गाने पर डांस करते देख सकते हैं। रफी साहब अपने स्टेज प्रोग्राम में इस गाने के अलावा महमूद पर फिल्माए गए अन्य गीतों को भी गाते थे, खासकर सजी रही गली मेरी अम्मा पर। सज रही गली मेरी माँ, ये आश्चर्य की बात थी कि रफी साहब की आवाज दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, देवानंद, शमी कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे एक्टरों पर ही नहीं बल्कि महमूद और जॉनी वाकर जैसे कॉमेडियनों पर भी खूब फिट बैठती थी। महमूद और रफी साहब की जोड़ी ने गुमनाम के अलावा कई और फिल्मों में खूब कमाल दिखाया और महमूद पर फिल्माए गए मोहम्मद रफी के गीतों की वजह से कई फिल्मों ने खूब बिजनेस किया। महमूद 50 के दशक के एक शानदार एक्टर थे और उनकी कॉमेडी के दर्शक कायल थे। कहा जाता है कि उस समय फिल्मों में महमूद की जबरदस्त डिमांड रहती थी, जिसके चलते महमूद ने अपनी फीस बढ़ा दी थी। कहा तो ये भी जाता है कि वो हीरो से ज्यादा फीस लिया करते थे। बॉलीवुड में महमूद की धाक का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को पहला सोलो रोल दिया था। ये वही महमूद हैं जिन्होंने आरडी बर्मन जैसे संगीत के धुरंधरों को पहला ब्रेक दिया था। तो दोस्तों, आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको महमूद पर फिल्माया मोहम्मद रफी का कौन सा गीत सबसे अधिक पसंद है? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।